वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये है एपिसोड 6 ऑफ नेशनल प्रोफेशन आर्ट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा आने के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो वेलकम। तो मेरा नाम है सुकृति, ठीक है। मैं पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी नेशनल पीआर नेशनल जो कि होगा जून में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। मैं हूँ इंटर स्टेट विनर एंड स्टेट मेडलिस्ट और आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होगा। स्पेशल क्यों, खैर स्पेशल तो हर चीज होती है, पर ये ब्लॉग में खास बात ये होगी कि आज हम करेंगे सुमो डेडलिफ्ट। ओके, अब आप में से जितने भी लोग मुझे इंस्टा पे जानते होंगे या फॉलो करते होंगे तुम्हें पता है मेरी सुमो खत्म है। मेरे सुमो खत्म है, पता नहीं क्यों। लॉजिकली मेरी सुमो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी का आधे से ज्यादा वेट मेरे पैरों में। पर क्या कह रहे हो, पूरे बॉडी में वेट। खैर तो हाँ, मेरे पैर बहुत ज्यादा हैवी हैं और लॉजिकली मेरे सुमो स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि हाइट छोटी है और पैर मोटे हैं, तो लाइक कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए। पास आ जाओ। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सुमो बहुत वीक रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इसलिए क्योंकि मैंने डेडलिफ्ट लाइक पूरा कॉन्सेप्ट डेडलिफ्ट का 6 महीने पहले सीखा है। इससे पहले मैंने 2 साल जिम किया है और बहुत अच्छा किया है, लेकिन कभी भी डेडलिफ्ट कभी नहीं मारा। तो 6 मंथ से मैंने जब भी डेडलिफ्ट स्टार्ट किया मैंने हमेशा कन्वेंशन मारा। मैंने वही यूट्यूब में वही देखा था, मैंने उससे स्टार्ट किया, वही स्टार्ट किया। तो अब धीरे धीरे मैं चाह रही हूँ कि मेरा सुमो भी बेटर हो। क्यों? क्योंकि वाई नॉट, दोनों ही बहुत अलग एक्सरसाइजेस है, लेकिन दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपकी इनर थाइस बहुत वीक है मेरे तरह। मुझे लगता है मेरे पास मसल्स नहीं है, सिर्फ फैट फैट है, ठीक है। तो सुमो पोजीशन खड़े जाते हैं, हम आज मानने वाले हैं सुमो डेडलिफ्ट, ठीक है। थोड़ा सा अपने हैमस्ट्रिंग्स को हम करेंगे वार्म अप, जिसके साथ साथ बैक को करेंगे वार्म अप और थोड़े से शोल्डर्स को करेंगे वार्म अप, ओके। लेस थोड़े से रिपकेस को, ठीक है। तो ट्रैप्स कहते हैं इनको, तो हम इनको वार्म अप करेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे सुमो पे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा एक अच्छा सा नया सा पीआर आ सके, ठीक है। तो चलते हैं, बी स्ट्रॉन्ग, लेट्स। तो आज का पहला लेसन, डेडलिफ्ट करते समय आपको उससे पहले 2 वार्म अप जरूर 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 करने हैं। वैसे तो फुल बॉडी में हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जब भी आप हैवी उठाने वाले हो हर चीज माननी चाहिए वार्म अप पे। 15-20 मिनट्स अच्छा खासा दो, ठीक है, पर बॉडी टूट जाएगी, ध्यान रखो उसका। लेकिन फिर भी अगर 2 स्पेशल है जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, किसी भी आदमी नहीं छोड़ सकते, तो बताती हूँ। पहला कैट एंड काउ, ठीक है, इसका नाम मुझे अब तक कितना रखा है, वो बढ़िया है। ऐसे में हम 7 ऊपर लेते हैं और 7 शंकु। ये मैं गाय हूँ, ये मैं पिल्ला हूँ, ठीक है। बैक के लिए होता है आपकी बैक वार्म अप हो, ठीक है, आपकी लोअर बैक वार्म अप हो, बहुत बेटर है। इवन आपकी कोर पे एंगेज होती है इसमें, तो ये बहुत बढ़िया है। दूसरा वार्म अप सुपरमैन, ठीक है, ये आपका बैलेंस मदद करता है, मेरे हैमस्ट्रिंग्स में आ रहा है, मेरे बैलेंस में आ रहा है, उससे ज्यादा तक मुझे तो कोर में फील होता है ऑनेस्टली बोलूँ तो, ठीक है। और मेरे हाथ भी वार्म अप हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं और मेरे ग्लूट्स हो रहे हैं, फील हो रहा है मुझे, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत 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 बढ़िया। पहला वार्म अप, ठीक है, 15-15, दैट इज 50 kg। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.
Second move up 70k. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. नब्बे नब्बे ट्राई करेंगे, उसके बाद जैसा नब्बे आएगा उसके हिसाब से या तो 100 या 105, और फिर गेस करो उसके आगे कितना करते हैं। सत्तर में वेरिएबल But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you can. until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy inside. Guys, yahan shant hai to mera dukh suno. 120 दोबारा फेल हुआ डेडलिफ्ट में, पर दुखी होने की कोई बात नहीं है क्योंकि 110 उठा सुमो डेडलिफ्ट का वो पीआर था, क्योंकि सुमो में 110 तक नहीं उठा था, तो अच्छी बात है। और फिर हमने उसके बाद थोड़ा बेंच किया, बेंच में हमने थोड़ा ऐसा ब्रेक थ्रूज किए हाफ लगा के। पहली बार मेरे जीवन में 70 kg की बेंच फील की है भाई साहब। मेरे पैर हाथों में सिर्फ उतना दम था कि उसे उठाऊं, नीचे लाऊं और यहाँ पर पकड़े रखूं, क्योंकि इतना दम नहीं होता तो मुझे क्रश कर देती। मैं मेरी हड्डियां मेरी पसलियां क्रश हो जाती, ठीक है। तब मैं अभी भी वो चीज प्रोसेस कर रही हूँ कि मुझे कभी उसको पुश भी करना होगा, वापस नीचे टच करवा के, पॉज करवा के पुश भी करना होगा। फिलहाल तो मैं उसको पकड़ के यहाँ, इतना दम था कि यहाँ पर पकड़े रख सकूं कि मरू ना, ठीक है।
तो पहले बार ऐसा होता है कि 70 ऐसा फील होता है बेंच में, काफी अच्छा फील होता है। और 120 तो नहीं उठा, 110 उठा, ठीक है हो गया। तो इसके साथ फिर हमने थोड़ा सा शोल्डर्स का एक्सरसाइज कर दिया, थोड़ा ये वो कर दिया, थोड़ा दुख हो रहा है मेरे को, दर्द दुख हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। मैं बस अपने आपको ये दिलासा दे रही हूँ कि मैं बिगनर हूँ, इसलिए बिगनर के होते हुए मेरे गेंस जल्दी होंगे, मैं कर लूंगी, मेरा पोटेंशियल है, मेरे दम है, मेरे ताकत है, मैं हो जाएगा। यही थॉट मैं दिमाग में रख लूंगी, कोई नहीं मैं बिगनर हूँ, अभी बिगनर में जल्दी ग्रोथ होती है, कर लूंगी। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहो। अब हम जा रहे हैं कार्डियो करने के लिए, और जिम में मैं कार्डियो नहीं कर सकती, मुझे जिम में कार्डियो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर मुझे चलना है तो मैं जिम क्यों जाऊँ, राइट? तो मैं जाऊंगी बाहर ग्राउंड में, और ग्राउंड में थोड़ा सा सपाटे बदल दी। हम बाहर आ गए हैं स्टेप पूरे करने के लिए। फिलहाल मैं काफ़ी दूर से चलते हुए आई हूँ, स्टेप्स कितने होंगे पता नहीं, लेकिन मैं फॉर लास्ट 25 मिनट लगातार चल रही हूँ, सो होपफुली काफ़ी अच्छे हो गए होंगे। और अब यहाँ से वापस भी जाना है, तो आई थिंक एक घंटे का चलना इनफ स्टेप्स होने चाहिए। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा खाना कट किया है, जैसे कि मेरा वेट स्टेबलाइज रहे, फास्ट फूड तो खैर बंद ही है, तो होपफुली आज के स्टेप्स पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, हमें पार्क में जाना था, लेकिन मेरे पहुँचते पार्क बंद हो गया, तो अब मैं पार्क के बाहर ही चक्कर काट रही हूँ। या स्टेप्स पूरे हो गए हैं और हम खा रहे हैं पनीर, थोड़ा सा पीने बटर और ब्रेड और लस्सी, पोस्ट वर्कआउट मील, और इसके बाद हम जाएंगे घर और सो जाएंगे चुपचाप से, फिर कल सुबह टाइम से उठेंगे।